सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? बच्चों, शुरू करते हैं आज कुछ नया सीखना। सबसे पहले है आज की दिनांक, जो कि है 23/9 यानी कि सितंबर 2021। हिंदी कार्यपत्रिका नंबर है 77A। कक्षा 3 अपना सेक्शन लिखेंगे। पाठ्यपुस्तक रिमझिम का पाठ है टिप टिप वा। विद्यार्थी अपना नाम और अपनी टीचर का नाम लिखें। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, उम्मीद है कि आपने पाठ टिप टिप वा बहुत ही उत्साह के साथ पढ़ा होगा। चलिए बच्चों, पाठ की निम्नलिखित पंक्तियों को फिर से पढ़ते हैं। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई, ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। गुड़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप 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 टिप। बच्चों, इन पंक्तियों में बारिश शब्द आया है। हम बारिश को वर्षा, बरखा, बरसात भी कहते हैं। ये सभी शब्द बारिश शब्द के पर्यायवाची हैं। समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। प्रश्न नंबर 1। एक, नीचे गाढ़े रंग से लिखे शब्दों को ध्यान से पढ़िए और उनके सामने दिए गए शब्द समूह में से उस शब्द पर गोला लगाइए जिसका अर्थ सबसे अलग है। अब देखिए, क में क्या लिखा है? माँ। तो माता, माँ को माता भी बोलते हैं, अम्बा भी बोलते हैं, लेकिन पिता नहीं बोलते, तो इसलिए ये अलग है, तो हम इस पर गोला लगा देंगे। उसके बाद है अगला शेर। शेर को सिंह भी बोलते हैं, भालू तो नहीं बोलते, वनराज भी बोलते हैं, तो भालू इसमें अलग है, भालू इसका पर्यायवाची नहीं है। सूरज, सूरज को चांद तो नहीं बोलते, भानु बोलते हैं, दिनकर भी बोलते हैं, चांद नहीं बोलते, तो हम इस पर गोला लगा देंगे। हमें वो बताना है जो सूरज का पर्यायवाची नहीं है, तो चांद सूरज का पर्यायवाची नहीं है। मित्र, राजा, दोस्त, सखा, राजा दोस्त और सखा तो हैं, पर्यायवाची पर राजा नहीं है, तो राजा पे भी गोला लगा देंगे। बच्चों, सेकंड प्रश्न है, बच्चों नीचे दिए गए चित्र में देखिए, सोहन को बहुत भूख लगी है, लेकिन उसे खाना तभी मिलेगा जब वह खाने तक पहुंचने वाले रास्ते में आए सभी शब्दों के पर्यायवाची शब्द बता पाए। तो चलिए, हम पर्यायवाची शब्द बताकर मोहन सोहन की मदद करते हैं और दी गई जगह पर लिखते हैं। तो सबसे पहले सोहन इस रास्ते से जाएगा, पहले आएगा पोखर। तो पोखर का पर्यायवाची क्या होता है? पोखर होता है तालाब। तालाब, तालाब। उसके बाद फिर इधर से जाएगा तो ये भय। भय मतलब डर। भय का पर्यायवाची होता है डर। अगर आपको कुछ और भी आ रहा है डर के अलावा, भय का पर्यायवाची याद आ रहा है, तो आप वो भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पशु। पशु मतलब जानवर। जानवर। फिर यहाँ से है ये लठ। लाठी भी बोलते हैं। लिख देंगे। उसके बाद फिर यहाँ से नेत्र। नेत्र यानी कि आँखें या आँख, तो लिख देते हैं आँखें। उसके बाद फिर यहाँ आ गया, वो आ गया बाहर। बाहर तक तो पहुँच गया, तभी इसको यहाँ खाना मिलेगा, तो फिर उसको हमने हेल्प कर दी, मदद कर दी सारे पर्यायवाची बताकर। अब प्रश्न नंबर 3 है, बच्चों पाठ टिप टिपवा के आधार पर बताइए कि बाघ चुपचाप धोबी के पीछे क्यों चल पड़ा। इसका उत्तर लिख के बताइए। और अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों से बात करें कि पानी की बचत करना क्यों आवश्यक है और हम घर पर पानी की बचत कैसे कर सकते हैं। बरसात के पानी को जमा करके आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने के फ़ायदे भी बच्चों को बताएँ। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? चलिए बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। और कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहारों में से एक है कि अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोना है। और बच्चों, आज का काम करिए, आज के काम को सिर्फ लिखना ही नहीं है, अच्छे से समझना और याद भी करना है। टेक केयर, बाय।